अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट में अवांखे चाहूं था भलीकार। अज प्रोग्राम में पा गाल बोल कंदासी समूरे मुल्क में उन मामले ते गाल बोल थे पई, डिस्कस थे पई। वो मामलो है आइनी पैकेज के हवाले से, जै हवाले से असें नज़र आयो तो हुकूमती जो धुर है उन तमाम घणी कोशिशों क्यों पांजे लेखे, उन अहम मुलाकातों भी क्यों, बार बार दावाओं भी थियं पे तो असं घुर्बल तादाद जो है मेंबरन जो उहो भी पूरो है। छंछर ए आचर के दिहाड़े ते भी इजलास थे, पर अवां सभी खबर है तो उनमें एक जन नाकामी उन्होंने नसीब थी ए उन तमाम घनी तनकीद भी थे पई। नवाज लीग से उनकी कयादत से ओवरऑल हुकूमत तनकीद थे पई, तो हू आइनी जो पैकेज है वो न आने सकया ऐवान के अंदर। जै ढी यो पेश थियणो हो नी सको ए तनकीद थी पे, तो इरफान सिद्दीकी या बया नून लीग जहाँ सीनियर अगवान दावा कन पे असा घुर्बल अंग पूरो हो, पर कुछ अड़ी शिकू हुई जनते जे इतिहादी उनके एतराज़ हुआ उनके करे असा इन मामले के डिले किया है, बाकी अड़ो को मसलो ना। बहरहाल पो नजर आए तो ख्वाजा आसिफ हुए या राणा सन्नावला बया मुख्तलिफ जे हुकूमती अहम अगवान हैं नून लीग जहाँ हुकूमत जहाँ वजीर हैं उन्होंने एतराफ़ किया तो उन्होंने घुर्बल अंग ही पूरा न हो। जैसे अज ही असं गाल क्यों तो राणा सन्नावला इन गाल जो एतराफ़ कन था पा तो हुकूमती जी टीम हुई इन मामले के सही तरीके से हैंडल न कर सकी। मौलाना फजल रहमान के इत्माद में वठणो हो या बन के उनके करे ही जी हुकूमत की नाकामी थी है। बहरहाल हुकूमत की नाकामी थी चुकी ए नज़र अची वो तो अड़न मामलों के हैंडल न था पा कर सकन। हाँ जो पे भी रोल हो सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हाँ उन्होंने रोल बेहतर वी वो है। हाँ जो जरिया असन के बुधान पाया था तो समूरू जो जिम्मेवार आइनी तरमीम चौं आइनी पैकेज चौं उनके मंजूर करण के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी वह जिम्मेवार संभाले वरतू हैं। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ के काफ़ी एक्टिव नजर इंदा हूँ, अहम अगवान से मुलाकातों भी कन था। सो हाँ जन यो टास्क जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है। सो पांजे प्रोग्राम में असी उन गाल बोल कंदासी तो एकड़े पासे हुकूमत की नाकामी बो जो यो टास्क पीपल्स पार्टी के मिलो है, पीपल्स पार्टी उनके कें अचीव कंदी ए जैसे अचीव करे वे थी तो इन फ्यूचर पीपल्स पार्टी के उनजा केतरा जो फायदा मिली सन था। जाहिर है बिलाल भुट्टो जरदारी साहब जी फॉरेन वजीर तौर पान के मना समूरे किरदार में जो उनको किरदार नजर अचे पो उन भी केर नज़रअंदाज न तो कर सके, तो इन फ्यूचर पीपल्स पार्टी के उनका कड़ा फायदा रसी सकता। अज के प्रोग्राम में पा उन गाल बोल कंदी गडो गड इन समूरे अमल में एस्टेब्लिशमेंट जो रोल है पा उन भी ालासी ए प्रोग्राम में पा गाल बोल कंदी। अज इलेक्शन कमीशन जो भी इजलास थो उन पार्टियों के तलब किया वो हो जन पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराई खास तौर जे यू आई ए पी टी आई। सो इलेक्शन कमीशन जो सरबरा वे चवन था जन पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराई उन रुगो चूंड निशान जो है वो वापस वी सकते तो बल्कि उन पार्टियों के डी नोटिफाई भी कर सकते तो। सो यो इशारो कहना है उनते भी अज प्रोग्राम में पा गाल बोल कंदी। अज प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी तर्जे निगार ए डायरेक्टर न्यूज़ ए डायरेक्टर करंट अफेयर जोहेब जरदारी साहब भी असेंगे जॉइन किया है, माजिद मकसूद साहब भी असा सा गड मौजूद हैं। जोहेब साहब अवं के माजिद साहब अवं के पे प्रोग्राम में असं चौं था भलीकार। सो जोहेब साहब का ही प्रोग्राम की शुरुआत क्यों था कें था ऐसो एकड़े पास यो जिते कि गाल जाहिर हले पी पे हुकूमती हल्का या गाल मन तैयार न हुआ को यह हुकूमत की नाकामी है। जो वो ऐलान थो छंछर से आचर से मेंबरन के देर तई विहार वो पर वह आइनी तरमीम पेश न कर सकया। अज राणा सन्नावला हो या कुछ बया वजीर मनन पा था तो हुकूमती जी टीम हुई जैमें नाला भी खया था अन आज़म नज़ीर तारड़ हुए मोहसिन नकवी हुए हाँ मोहसिन नकवी हुकूमत की नुमाइंदगी तो करे या एस्टेब्लिशमेंट की यो भी वो सवाल है। बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ तो नून लीग जी आन सो वो मनन पा था तो यहाँ उन्होंने मिसहैंडल थो मामलो ही उन्होंने नाकामी है जन असी साहब इन मामले के जाहिर है छाकाण तो कुछ डीह का मुसलसल मीडिया से हाईलाइटेड है यो इशू इन जे करे ही जो इस्लामाबाद के अंदर जो सियासी गहमा गहमी है वह तमाम तेज़ है रात देर ताई वह जारी रहे थी एतरे ताई जो पार्लियामेंट के भी रात देर ताई जागणो पैजी रो है पार्लियामेंटेरियंस जो जन से निंडू फिटल आन हुकूमत जो वरी उन डबल निंडू फिटल आन गाल समझण जी आहे तो एक आइन जो है वो को इलामी किताब आए कौन जो उनमें का तरमीम या तब्दीली नथी करे सके उए वो इस्तेहकाक है यो अख्तियार है पार्लियामेंट जो तो वह जै वक्त भी चाहे उन में तरमीम आने सके थी तो इन यो को एडो को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को मामलो को जैसे का इन किस्म की कड़ी वही परेशानी की गाल है पर टाइमिंग के करे जेका टाइमिंग है उन जे करे शयूं डाडियूं बहस हेठ अची रही यो किथे कंहिंखे एक्सटेंशन ॾियण जे लाइ त कोन कुझु थी रहियो आहे
या कंहिंजी रस्ता रोक करण जे लाइ या कानून साज़ी न पई थी रहे इन टाइमिंग जे करे इन मामले खे एॾी वॾी हाइप अची वई आहे। माज़ी में बि खोड़ सारियूं तरमीमूं जेके आहिनि उहे थींदियूं रहियूं आहिनि। अरिड़हीं तरमीम जे दौरान जेके शयूं रहियूं उन खां पोइ वरी वॾे गेप खां पोइ वरी आइन जे तरमीम जे हवाले सां हीउ मामिलो सभु खां वधीक डिस्कस में अची रहियो आहे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इन में को शक कोन्हे त हिकु त हुकूमत इन में ॾाढी तकड़ कई आहे, होमवर्क न कयो। होमवर्क मां मुराद मां उनखे आइनी तरमीम जे मसवद जी ॻाल्हि न पियो कयां, पार्टियुनि सां मुशावरत, इतिहादनि सां मुशावरत उन लेवल जी न कई वई जेका थियणु खपे आ। ऐं जॾहिं आइन में तव्हां तरमीम करणु वञो ऐं जॾहिं तव्हां वटि घुरबल जेको टे ॿ भाङे टे अक्सरियत बि न हुजे त ज़ाहिर आहे तव्हांखे पोइ समूरनि पार्लियामेंटी पार्टियुनि सां ॻाल्हाइणो पवंदो आहे। जीअं अरिड़हीं तरमीम जे वक़्तु थियो तव्हां सभिनी सां ॻाल्हायो, या ख़ुदि जॾहिं 73 जो आइन ठहियो हुयो उन वक़्त में बि पार्लियामेंट जे अंदरि मौजूदु जेके बि आहिनि पार्टियूं उन्हनि खां मुशावरत कई हुई, पर उहे पार्टियूं जेके न हुयूं उन्हनि खां बि तजवीज़ूं वरितियूं वयूं हुयूं। त मुंहिंजे ख़्याल में इन हवाले सां ॾाढी जेका जेका जेको पोइते शिकस्त चऊं या नाकामी चऊं जेका हुकूमत जे हिसे में आई आहे उहा इहा आहे त हुननि इहो सम्झो त असां बसि हाणे इहे शयूं करे वठंदासीं। त इन्हनि खे मुशावरत में देरि थी, मौलाना फज़ल रहमान खे मञाइण में इन्हनि खे देरि थी, ऐं मौलाना फज़ल रहमान त अॼु चई छॾियो आहे त असांजो जेको हुकूमत जो मसौदो आहे उहो रद्द करे छॾियो। हाणे पीपुल्स पार्टी ऐं जे यू आई गॾिजी करे आइनी तरमीम जो मसौदो तयारु करे रहियूं आहिनि, छाकाणि त काफ़ी ॾींहनि में इहो बि बार बार बहस हेठि अची रहियो त हुकूमत मसौदो परे पेश छो न पई करे। सही त भई ॿुधाए न उनमें छा आहे, त हुकूमत उहे शयूं लिकायूं पए या इहो तासुर पैदा थी रहियो त हुकूमत वटि बि मसौदो कोन्हे। त मुंहिंजे ख़्याल में इहो कोन्हे। मां हाणे ताज़ो इस्लामाबाद मां चकर ॾे आयो आहियां, उते काफ़ी दोस्तनि सां सहाफ़ियुनि सां या जेके इक़्तदारी धुरियुनि सां कुझु ॻाल्हियूं मुंहिंजी थियूं आहिनि त मसौदो मौजूदु आहे, सभिनी पार्टियुनि जे पार्लियामेंटी अॻवाननि खे मिलियो आहे। इहो सिर्फ़ु इन करे तासुर ॾियण जी कोशिशि कई वई त शायदि इहो मसौदो किथां कंहिं ॿिए पासे खां अची रहियो आहे, त अहिड़े क़िस्म जी का बि ॻाल्हि कान्हे। का ईअं थी नथो सघे, प्रैक्टिकली बि ईअं कोन थींदो त तव्हां जेकॾहिं को आयन में तरमीम करणु वञो ऐं तव्हां वटि मसौदो ई न हुजे, ईअं थींदो कोन्हे। सो बहरहाल इहो हुकूमत जी शिकस्त पंहिंजी जॻह ते ज़रूरु आहे, हुननि इनखे तस्लीम बि कयो आहे त असांजे कुझु माण्हुनि जे करे जल्दबाज़ी जे करे इहा नाकामी थी। पर बाक़ी हिन वक़्तु जहिड़े नमूने सां हाणे संजीदा कोशिशूं थी रहियूं आहिनि, बिलावल भुटो ज़रदारी साहिबु ऐं मौलाना फज़ल रहमान साहिब जे विच में शायदि 16-26 शकनि जे चिकनि ते इतफ़ाक़ थी चुको आहे, ऐं हाणे माना इहो जेको ॿेड़ो आहे इहो बिलावल भुटो ज़रदारी साहिबु ऐं मौलाना फज़ल रहमान साहिबु खयों आहे। ऐं हाणे मौलाना फज़ल रहमान साहिबु असद केसर सां मिलण लाइ वियो आहे। पहिरियां इहे समूरियूं पार्टियूं मौलाना साहिबु वटि अची रहियूं, पर हाणे मौलाना वरी इन कम खे पंहिंजो कमु सम्झी करे अॻिते खयों आहे। मुंहिंजे ख़्याल में इन में के ॿराया कोन्हनि त को आइन में तरमीम न थियणु खपे। हा, हिन वक़्त जी टाइमिंग ज़रूरु आहे, ऐं हाणे हुकूमत बि चई रही आहे त थी सघे थो त नेक्स्ट जेको चीफ जस्टिस आहे उहो ई अचे जंहिंजो वारो आहे। बिलावल भुटो ज़रदारी साहिबु इशारो ॾेई छॾियो आहे। हिन में इंपॉर्टेंट इहो कोन्हे त आइन में कहिड़ियूं तरमीमूं थियनि थियूं, असल जेको बहस आहे उहो आइनी अदालत जो जुड़णु आहे, जेको हिकु वॾो सब्जेक्ट आहे, हिकिड़ो वॾो कमु आहे। पाण वरी अचूं था त मुंहिंजे ख़्याल में जेको हुकूमत जी तव्हां जेको नाकामी वारी ॻाल्हि पई कई उहा उनजी वाक़ई जल्दबाज़ी ऐं ओवर कॉन्फिडेंस आहे। उन्हनि खे लॻो त बसि असां करे वठंदासीं, ऐं उनजे करे उर्दू में जीअं चवंदा आहिनि त मूंखे खानी पड़ी। सो सो इहा जेका मुंह की खानी पड़ी आहे माजिद साहब नून लीग खे, हाणे इहा ज़िमेवारी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, ऐं जीअं ज़ोएब साहब बि चयो आहे जिते किथे हले पियो त हाणे पीपल्स पार्टी ऐं जे यू आई ॼण त अॻियां अॻियां आहिनि, उहे ई ड्राफ्ट खे तयारु पियो कनि। ऐं हाणे जे यू आई वरी नज़र अचे पियो त उहा पी टी आई खे बि मञाइण जी कोशिशि करे पई, ऐं हिकिड़े पासे पीपल्स पार्टी ऐं जे यू आई, हाणे वरी जे यू आई जी इहा ज़िमेवारी आहे। सो इन कोशिशि खे कीअं था ॾिसो ऐं इन जी कामयाबी जा केतिरा इम्कान था ॾिसो? महिरबानी नसीर साईं, ऐं आउं सम्झां थो हाणे इहा जेका ज़िमेवारी आहे इहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप ते आहे, ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप अरिड़हीं तरमीम तव्हांखे हद हूंदो उनजे लाइ हिकिड़ी वॾी डेलीब्रेशन थी ऐं उन्हनि सभिनी खे इतमादु वरितो। जी ज़ोएब साहिबु चयो त उनखे हर स्टेक होल्डर खे उन्हनि खे इतमादु में वरितो, इविन मां चवंदो सां जेका सिविल सोसाइटी आहे उन्हनि खे बि इतमादु में वरितो। हा, तजवीज़ूं वरितियूं हुयूं ऐं उनखे काफ़ी टाइम लॻो। मूंखे त लॻे थो इन्हनि जी न सिर्फ़ु इहा नाकामी आहे जी वॾनि वॾनि अख़बारनि में लिखियो आहे त हिकिड़ी मैसिव उन्हनि जी इंबेसमेंट थी आहे हुकूमत जी, पर मुंहिंजे ख़्याल में उनमें बदनीयती बि आहे। बदनीयती मूंखे इन ई करे थो आउं लफ़्ज़ इस्तेमालु करियां, जो अॼु तव्हां ॾिठो हूंदो त इहे ड्राफ्ट जा थोरा घणा जेके आर्टिकल आहिनि उहे कुझु कुझु जेका मीडिया जेके हाउस आहिनि उहे ॿुधाइनि पिया त हिकिड़ो आर्टिकल नंबर 8 आहे। हाणे उन में इहो आहे त जेका सिविलियन जी जेका लिबर्टी आहे या उन्हनि जो जेको केसिस आहिनि उहे जेके आहिनि से उहे शायदि हाणे जेके ही फ़ौजी कोर्टनि खे बि जेको आहे सो आर्मी कोर्ट्स खे बि ही मोकिले सघनि था पिया। अहिड़े बि क़िस्म जी का लेजिस्लेशन थिए पई, इहा इंतिहा ई ख़तरनाक हुई।
तुम दिखो हों बुधो हों तो नवीद कमर साहब चो तो हि मसूदो असा भी को दिखो है सो मुझे ख्याल है तो हि जो बदनीयत है वह भी उन्होंने साफ जाहिर थी है उन्होंने मानन के मुझे ख्याल है तो जो है सो मौलाना साहब के भी उन्होंने एतमाद में को वी सकिया पीपल्स पार्टी के भी एतमाद में को वी सकिया ढी जल्दी तकड़ में जो है सो इन कम किया समझो तो असा एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कंदी उनकी सपोर्ट से अस सब ये करी पर मुझे ख्याल है उन्होंने तारी गुर मुँह की कहानी पड़ी ये न कर सकिया हाँ मुझे ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मां उम्मीद क्या तो पीपल्स पार्टी अड़े किस्म जो अगर उनके शिकन की खबर पे तो उन्हें वो एग्री को नवीद कमर साहब चाहिए जी डेमोक्रेटिक पार्टी है उन तनकीद भी थे पी तिठो हों तो ढो डिस्प्लेयर जो है वो एक्सप्रेस किया असद साहब जो उन्होंने असद केसर साहब एन असा के पीपल्स पार्टी का या उम्मीद को पीपल्स पार्टी जो नालो है आम समझा तो अड़ियों जो डिक्टेटोरियल किस्म जो आर्टिकल्स उनमें एड को रस्ता रोक भी को साई गाल कई इनमें को भी शक को पीटीआई की रस्ता रोक कर कोशिश कई पे वे वह भी मुझे ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न कंदी यो जो आयन ही मसूदो जो पास थिए तो या थिए तो इनमें का खराब गाल ना है इनके पूरा हिमायत क्या तो पर स्टेक होल्डर्स जैसे उन राजी था थियन तो मुझे ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनमें कें हद शायद कामयाब बनी अच्छा अच्छा मैं शे क्लियर क्या तो पीटीआई के रस्ता रोक की गाल को कई है तो जाहिर है इन आइनी तरमीम में पीटीआई के रस्ता रोक वाली गाल मुख्य समझ में को गाल यह पर जरूर जो मुद्दा वधन था तो उन में जाहिर है कुछ मानून जो जो पोजिशंस वे डिस्टर्ब थी तो उन रस्ता रोक की गाल यस उन बाकी कें भी सियासी पार्टी के अगर बंद को बधबो इन सही तो हाँ असं यो चौं हाँ जी अस पा पे गल चुका पीपल्स पार्टी की जिम्मेवारी जन तो घनी है तो यो जो मंजूर भी थे थे घने भांगे इम्कान है 15 लगन 20 लीग लगन या 10 ढी यकीन यह शे अचणी तो है तो इन जो क्रेडिट कें था दिसो तो ओवरऑल हुकूमत हाँ कड़े मुँह से इन आइनी तरमीम जो क्रेडिट खी सी या यो समूरो जो क्रेडिट होंद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दा वो मौलाना फजल रहमान साहब दा वो इन फ्यूचर पर इन नतीजा क्या था जैब साहब पीपल्स पार्टी के फायदे के हवा से जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है पीपल्स पार्टी पा मनाण में कामयाब वे थी एडो एडो कम करे थी वे तो एस्टेब्लिशमेंट वट पीपल्स पार्टी की क्या था पोजिशन ऐसो पे तो इन तासुर के या इन गाल के समझने की जरूरत है तो आइनी तरमीम एस्टेब्लिशमेंट के चवण से थी रही हैं तो जी मिसाल तौर पो माजिद साहब के शायद आसरो हो तो एस्टेब्लिशमेंट मदद कंदी है आइनी तरमीम आने सकता तो पे इन शे के समझने की जरूरत है पैरी शे है तो भाई जैसे पा एक लम्हे लो फर्ज क्यों तो यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ये आइन तरमीम आने रही है तो एस्टेब्लिशमेंट की आड़ो कड़ी रुकावट थी सके थी पीटीआई तो हाँ भी गाल तैयार है पीटीआई के थोड़ो तुम जैसे ग्रीन सिग्नल लो तो वो उ आइन तरमीमू करा छींदी जिन तुम सोचे भी ना सो तो कड़ी पार्टी है जहाँ जैसे एस्टेब्लिशमेंट अड़े किस्म जो मूड रखे थी तो उ उनका इनकार करें तरमीम अस यो शी जरूर है अस हर मामलो जो है उन पास गेले वन की रिवायत है तो भाई उन पास खी वे गाल एस्टेब्लिशमेंट के जै कानून साजी की जरूरत हुई माजी में वह थी वही उन चीफ के एक्सटेंशन मिलल है वो हाँ वजीर आजम जो अख्तियार वो है जैसे हाँ वजीर आजम चाहे तो इन मौजूद आर्मी चीफ के वही 10 साल एक्सटेंशन दे सके तो एस्टेब्लिशमेंट वट तो इन किस्म जो को टेंशन आ ही को अग में हुए बाजवा साहब के जमाने में तक खबर है उन वक्त भी पीटीआई वट एतरी अक्सरियत को जड़े नमूने से कौमी असेंबली में सेनेट में वो तुझे सामू आ जहाँ कानून साजी थी वो रजा रबानी जो रोयण वो भी सामू आ सी पुरानी तारीख कान्ह जहाँ कें विसरी वही हुई तो एस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहे तो भला वो छो नो थी सके तो एडो को मसलो ही को गाल आइन के अंदर सुधारा आने की जरूरत न है इन वक्त मुख्तलिफ वक्त में आइन में जो तरमीम थे शॉर्ट टर्म बेसिस से थी खबर हल पे आइनी अदालत ठे पी दुनिया के 85 मुल्क में ऑलरेडी आइनी अदालत है तो नई गाल आइनी अदालत छो नी थी सके आइनी मुल्क आयोजन मुल्क के अंदर अस आइन के जो तमाम घणी भंजकड़ी थन थी पर खास अदालत जी इन आइनी मामलों के ऐसी आइनी भंजकड़ी के खिलाफ उन केसेस हल्दी आइन की बेहतर नमूने से इंटरप्रिटेशन कंदी तो इनमें मसलो कड़ो है इनमें हर्ज कड़ो है गाल
इो को हाँ बो जो चीफ जस्टिस इंदो उन रस्ता रोक कई पे वे वो ट्रेन की कई पे वे चो इन तासुर दियण चाहो तो जज आन उ कें पार्टियन से हमदर्दी रखंदड़ या वो जज जे से कें कें फेवर में आन मुझे ख्याल में अड़े किस्म जो तासुर बिल्कुल न होजन खपे जुडिशरी जो हक में को खुद पाकिस्तान के मुल्क के इन कानून के आयन की बालादस्ती के हक में को असो सामू इो तासुर हो तो फिलहानो जज जो है वो इन पिरो है इन एंटी है गाल है आइन में तरमीमू वसी तर मफादन के तहत थियण खपन इन में पीपुल्स पार्टी जो को खयो है बेड़ो या हाँ मौलाना फजल रहमान खयो है तो पीपुल्स पार्टी आइन ठाईंदड़ जमायत है पीपुल्स पार्टी जमहूरियत जमहूरियत के कदरन ते यकीन रखने वाली पार्टी है वह यकीनन इन समूरन मामलन के नज़र में रखंदी हाँ जो कानून साजी या जो आइन में तरमीम थी वह मेच्योरिटी से पीपुल्स पार्टी समूरन स्टेक होल्डर्स के आन बोर्ड वठंदी मौलाना फजल रहमान साहब उनके आन बोर्ड वठंदो उन समूरी शूँ थी सकन थी बाकी मुझे ख्याल में अस तो हुए भी यो एक रिवायत ठही वही है एक सोच ठही वही है तो जो भी सही थे गलत थे जड़े नमूने थे वह जी कें जमाने में का रैली निकरती तो तब यो वो या अमेरिका के इशारे से निकती है जैसे कें खिलाफ है तब अमेरिका के इशारे से है कें हक में है तब अमेरिका के इशारे से है तो अजक वो अस भी हाँ यो सोच एक मिथ ठही वही है तो भाई हम कम के पोया एस्टेब्लिशमेंट है इन मामले के पोया एस्टेब्लिशमेंट है समूरन मामलों के पोया एस्टेब्लिशमेंट है हि समूर पार्टियों एस्टेब्लिशमेंट के पोया भी उन गडन तेरे यो हर कें जैसे अपोजिशन में है तो वह पान जो पान के यो तासुर देने की कोशिश कहती है तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है जैसे हुकूमत में आए तो चौदह असड़े पेज से सही जी माज साहब आवां कुछ इनते पे गलहाइन चाहो या मन जो जी जी मा यो समझा तो जका साई रस्ता रोक दी गाल कई ते इने में जका हुकूमत है उनन जो कुछ इंटेंशन तो बिल्कुल पब्लिक थियो है जी हु जका 63A है उने के हु रिपेल था कन उने में अमेंडमेंट था कन त जी हु हार्स ट्रेडिंग करे सकन जका पेरी हु न पया करे सकया तो डिस्क्वालीफाई कोन थिंदा एकड़ी या गाल जका इन मसूदे में सामू आई है भी यह गाल वाजे थी है तो जो 175 है उनजो जो जेली एक्स है उन्हें में जो अपॉइंटमेंट है वह अपॉइंटमेंट जो है उन्हें में जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह उन्हें जे लाए उन्हें बुधायो भी है पी उन्हें पांजो मुस्लिम लीग नून वारन नॉट पीपल्स पार्टी आए उन्हें पांजो एक माना नॉन कॉन्फिडेंस जो है वो शेयर वो एक्सपोज ना है उन्होंने असो इन मानों से कॉन्फिडेंस ना है वो सियासी जज है अड़े किस्म जो स्टेटमेंट आयो है सके तो यो पीटीआई वाला जो सो पांजो एक फियर बुधाइन था तो थी सके तो उनके वो चीफ जस्टिस न कन पर बिलावल साहब के स्टेटमेंट यकीनन मां डिठी हुंदी वो चंद्रद मंसूर अली शाह साहब का खपे आज अतातारण जो है उन्होंने भी चयो सिर्फ एकड़ो जुमलो गाल माजी साहब एकड़ो जुमलो सिर्फ गाल पो वरी ता पंजी गाल कजो गाल या त हाने मसवदे जे नुक्तन ते त गालायण जी गुंजाइश न रही वो तो रद थी वो हाने गाल या त हाने जो पीपल्स पार्टी जेयू है जो मसवदो आनी तो असल बहस जो मसवदो वो तो हे त खत्म थियो इन में ही बो थे 63A कटे कडन पिया मुद्दों वधाइन पिया ही पिया सब हाँ खत्म थो तो वो वन टू ऑल रिजेक्ट थी वो हाँ उन बहस कर हाँ यो तो पीपल्स पार्टी जी इो इो तो बुधा सही पीपल्स पार्टी कर सी पीपल्स पार्टी जे कंट्रोवर्शियल किस्म जो एक्ट है उनके रिपेल न कंदी उनके अमेंड न कंदी उनके रद न कंदी हाँ पा इनते गालायो तो छा होजन खपे हाँ यो है बाकी वो खत्म थी वो हाँ यो तो मां समझा तो मां ताके पेरी बुधा तो पीपल्स पार्टी में या एलियत मौजूद है यो पोटेंशियल मौजूद है हूँ सभी के राजी भी कर सके थी हाँ समझा तो पीपल्स पार्टी से तनकीद थे पी वह तनकीद भी कोन थी मां समझा तो पीटीआई वाला कोन मनींदा छो तो उनकी सियासत जो थोड़ो रंग भी डिफरेंट है उहे बेंदा भी कोन पर उनके बावजूद भी पीपल्स पार्टी कोशिश कंदी दोस्तन के सभी के मिलाई पीटीआई के लिए भी कोशिश कंदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यह एलियत मौजूद है ठीक है ब्रेक वठूँ था ब्रेक का पोई जैसे वापस इंदी तो वही गाल जैसे बिलावल साहब भी चवंदा तो मंसूर अली शाह साहब जो वे चीफ जस्टिस थी सकन था उन्होंने थियण खपे तो इतने सवाल वो यो तो पैदा थे जैसे आइनी अदालत ठही थी वे तो ही अदालत होंगी जैसा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों उन अदालत जो जिम्मेवार बाकी कड़ी रही केतरी एक्टिव अदालत होंगी वाकई ये जो मुदाखलतूँ थियन प्य आइन में पोलिटिकल मामलों में उ न कर सो बाकी उ केतरा एक्टिव हूँ उनते गलाइंदी इन गाल जो भी कवि इम्कान है अज जो जेयूआई जो सरबराह वो है पीटीआई वार तो पीपल्स पार्टी जो भी वफद मिली सके तो उन्होंने पीपल्स पार्टी में यह गुंजाइश सदाई रही है सो ही जेयूआई जो मैसेज खड़ी वही होंगी यकीन उनमें पीपल्स पार्टी जो इनपुट भी हों पीपल्स पार्टी की क्यादत भी जो है वह भी पीटीआई वार मंजाइन के लिए वही भी सके थी इन गाल जो भी इम्कान है उनते गलाइंदी पर मुख्तसर ब्रेक का
जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ एक भेरो बीहर प्रोग्राम में अवांखे चऊं था भलीकार आईनी तरमीम ऐं उन खां पोइ जा जेके मामला आहिनि उन ते पाण डिस्कस करे रहिया हुआसीं ऐं जॾहिं हाणे इहा ॻाल्हि थी आहे त पीटीआई वारा हुजनि या ॿिया माण्हू बार बार इहा ॻाल्हि थी पए त ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहिब जे रस्ता रोक जे लाइ सभु कुझु थिए पियो। सो हाणे त बिलावल साहब बि चवनि पिया, नून लीग जा जेके वज़ीर आहिनि उहे बि चवनि पिया त न उहे जेकर चीफ जस्टिस थियनि था त भले थियनि। सो ज़ोएब साहब हाणे अचूं था इन ते, जेकॾहिं आईनी अदालत ठही थी वञे पोइ उनमें पंज जज अचनि था, जेतिरो बि तादादु जजनि हाणे आईनी मामला समूरा उहे ॾिसंदा, ख़ासि तौर ते जेकॾहिं ॾिसूं जेकॾहिं इन फ्यूचर को मामिलो अचे थो पीटीआई ते पाबंदी जो मामिलो हुजे या असीं चऊं मखसूस सीटनि जो मामिलो हुजे, अहिड़े क़िस्म जा जेके बि इंपॉर्टेंट केस हूंदा उहा त आईनी अदालत ॾिसंदी। बाक़ी जेका सुप्रीम कोर्ट बचंदी जंहिंजो जेकर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हूंदो उहे त ॾिसंदा, सिविल नोईअ जा जेके केस हूंदा त पोइ कीअं था ॾिसो सुप्रीम कोर्ट, जेका मौजूदा सुप्रीम कोर्ट आहे जंहिंजा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हूंदा उहे पोइ केतिरा एक्टिव हूंदा ऐं पोइ उहे जेके पीटीआई जूं जेकॾहिं खणी चऊं त उन्हनि मथां कुझु उमेदूं हुयूं, छाकाणि त इहे ॻाल्हियूं थियूं पिया न, जेकॾहिं उहे चीफ जस्टिस थिया त मे बि खोड़ सारा हल्का खुलनि या इलेक्शन में जेको कुझु थियो आहे जेको चयो पियो वञे ऐं उनखां पोइ मौजूदा जेका हुकूमत आहे मे बि इहा बरक़रार न रही सघे, हिकिड़ो बोहरान जेको आहे उहो वेतर वधी वञे त पोइ मंज़रनामो मां कीअं था ॾिसो आईनी अदालत जे ठहण खां पोइ। नसीर साहब हिकिड़ी शइ इहा त ज़ाहिर आहे जेके तव्हां इन पंहिंजे हिकु सवाल जे अंदरि वरी जेके ॿिया सवाल ॿुथारिया आहिनि, ज़ाहिर आहे इहा जेका जेका आइन जी जेको तरमीमुनि जे बारे में जेका बि पार्टियूं कमु कनि थियूं ज़रूरु इन्हनि खे इन शयुनि जो ख़्यालु रखिणो पवंदो, का बि शइ मिस थींदी त इहो सवालु अॻिते भली उथी सघे थो। पर सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा सम्झणी आहे त सुप्रीम कोर्ट जेका आहे उहा अपीलेट कोर्ट आहे, हिकिड़ी शइ माना इहा सम्झण जी ज़रूरत आहे, ऐं ॿी जेका जंहिंजे करे हू सुप्रीम आहे उहो इहो आहे त भई उनखे सोमोटो जा अख़्तियार हासिलु आहिनि, हिकु त अपीलेट आहे पर ॿियो सोमोटो उन वटि आहे त हू जेको उनखे ॾिसी सघे थी। हाणे जेको अहम जेको सुवालु आहे उहो इहो आहे त जेका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठहे थी उनजो स्टेटस छा हूंदो, इक्वल टू हाई कोर्ट हूंदो या उनजो इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट हूंदी, या जेकॾहिं उहा पंजनि जजनि ते ॿधलु आहे त उनजे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं मुंहिंजे ख़िलाफ़ु उनमें फ़ैसिलो अचे थो त मां उनखे चैलेंज किथे कंदुसि, छा मां सुप्रीम कोर्ट में वेंदुसि, त जेकॾहिं उहो सुप्रीम कोर्ट में वरी वञिणो आहे त इट मीन त पोइ तव्हांखे स्पेशल कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठाहिण जी ज़रूरत कोन्हे। सो इहे समूरी शयूं आहिनि जेके उहे अॻिते हली हिननि खे ॿुधाइणियूं पवंदियूं त उनजो स्टेटस छा, ईअं जीअं मिसाल तौरु जेका हाइट्रिज़न केस में जेका स्पेशल कोर्ट ठही त इहा असांखे ख़बर हुई त असांखे ॿुधायो त इनजो स्टेटस इज़ इक्वल टू हाई कोर्ट, त उन में हाई कोर्ट जी जेका आहे उहो फ़ैसिलो हूंदो, जेकॾहिं उनमें कंहिंखे सज़ा अचे थी त उनजी अपील हू सुप्रीम कोर्ट में करे सघे थो। परवेज़ मुशर्रफ़ जो केस तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं पोइ मामिलो वरी उनखां स्पेशल कोर्ट खां निकिरी सुप्रीम कोर्ट में वियो त हिन में बि इहा शइ क्लियर करणी पवंदी त भई इन में जेकॾहिं अपील में वञिणो आहे त उहो किथे वञिणो आहे, प्रेसिडेंट वटि वञिणो आहे, जजनि जी चूंड कीअं थींदी, ॿिया कोर्ट मामला आहिनि। मिसाल तौरु जेकॾहिं कंहिंखे सज़ा अचे थी उहा सुप्रीम कोर्ट उनखे सज़ा बरक़रार रखे त पोइ वरी सदर साहिबु वटि आख़िरी अपील हूंदी आहे, त हिन जी बि छा जेकॾहिं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट मां जेकॾहिं केरु अपील में वञणु चाहे त उहो सुप्रीम कोर्ट वेंदो या वरी सिधो सदर साहिबु वटि वेंदो, इहे समूरी शयूं ईंदियूं ज़रूरु। जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट वटि वापसि वञिणो आहे त वरी ॻाल्हि साॻी अची बीहंदी, पर इहो ज़रूरु ज़रूरी आहे त असां वटि छा थो थिए त सवें केस लॻल आहिनि, हज़ारे केस लॻा पिया आहिनि सुप्रीम कोर्ट में ऐं काफ़ी केस पेंडिंग में पिया आहिनि। हाणे उहे केस पेंडिंग में छो वेंदा आहिनि, छाकाणि त कॉन्स्टिट्यूशनल जेका बि अचे थी पिटीशन उहा अर्जेंसी जी बुनियाद ते ॿुधी वेंदी आहे, जंहिंजे करे जेके ॿिया रुटीन जा केस आहिनि उहे डिस्टर्ब थी वञनि था। इहो हिकिड़ो ज़रूरु जेको पॉज़िटिव साइन हूंदो त जेके बि कॉन्स्टिट्यूशनल जेके मैटर्स आहिनि उहे हुन आईनी अदालत ॾे हलिया वेंदा ऐं पोइ जेके रुटीन मैटर्स आहिनि चाहे उहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुजे या सिविल प्रोसीडिंग हुजे उनखे स्पेस मिलंदो ऐं उहे केस जेके आहिनि उहे जल्दी उकलाव तरफ़ वञी सघनि था ऐं जेके असांजा पेंडिंग केसिस आहिनि उहे जल्दी सां ख़तमु थी सघनि था। पर छाकाणि त हिकिड़ो हूंदो आहे लॉन्ग टर्म ॾिसणो हूंदो आहे हुकूमतनि खे, ॿियो वरी हूंदो आहे शॉर्ट टर्म, त तव्हां रिलीफ़ कहिड़े क़िस्म जो वठणु चाहियो था हिननि जे ज़रिए। जेकॾहिं वाक़ईतनि तव्हां ख़ौफ़ज़द आहियो कंहिं अचण वारे जज खां त मुंहिंजे ख़्याल में अहिड़े क़िस्म जी शयूं असां एक्सपेक्ट कंदा आहियूं, ज़रूरी कोन्हे त ईअं थियनि। मुंहिंजे ख़्याल में जेको लास्ट हुयो चीफ जस्टिस उहो बि जॾहिं वञणु वारो त कुझु शयूं ॿिए एक्सपेक्टेशन हुयूं त जेको नओं ईंदो पोइ हीअं थी वेंदो पोइ हीअं थी वेंदो, ईअं ज़रूरी कोन्हे। इहे तव्हांजूं असांजूं हाणे जे हवाले सां वॾो कुझु फ़ैसिलो ॾिनल आहे, हाणे जीअं आयो त छा थी त पोइ तव्हां ॾिठो त डिवीज़न हुई, माना कुझु अहिड़ो फ़ैसिला थिया जिते चीफ जस्टिस सां गॾु ॿ जज बीठा ॿिया जज कोन बीठा, सही तव्हांजे साम्हूं आहिनि मामला, त ज़रूरी कोन्हे त चीफ जस्टिस केरु बि अची वञे तंहिंजो मतिलबु इहो को सुप्रीम कोर्ट सॼी हुनजे हथ में अची वई आहे, ईअं कोन्हे। सुप्रीम कोर्ट जो हर जज इक्वल हूंदो आहे चीफ जस्टिस जे, हुनजो फ़ैसिलो ओतिरी इंपॉर्टेंस रखे थो जेको चीफ जस्टिस जो रखे थो। त मुंहिंजे ख़्याल चीफ जस्टिस वटि सिर्फ़ु इहे पावर आहिनि त उहो
कोर्ट के लीड कंदो आए वो जो आए रोस्टर रोस्टर जो आए सो ठाइंदो आए वो बेंचेस ठाइंदो आए इयो ही उन जो अख्तियार आए या सोमोटो जे मामले में जो अख्तियार आए पर बाकी समूरा जज जे के वो फैसले जे मामले में चीफ जस्टिस जे बराबर है। माजी साहब सागो सवाल अवां खां आईनी अदालत जेकरे ठहे थी आए मंसूर अली शाह भले पो इन मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जा चीफ जस्टिस होजन तो पोए कीं त ॾिसो मौजूदा जेका सुप्रीम कोर्ट हूंदी उन जो किरदार ऐं ख़ासि तौर ते असां इन करे चऊं था छाकाणि त पीटीआई वारा बयान ॾेई चुका आहिनि रिकॉर्ड ते आहिनि त जॾहिं नओं चीफ जस्टिस ईंदो पोइ हल्का खुलंदा हिन हुकूमत जी अक्सरियत न रहंदी हुकूमत न रही सघंदी वक़्त खां अॻु ॼण त उन्हनि हिकिड़ो त ईंदड़ चीफ जस्टिस खे पाण तकरारी बणायो पाण उनखे ॼण त सियासी बणाइण जी कोशिशि कई पोइ कीअं त ॾिसो स्टेटस उनजो। ॾिसो इहे शयूं काफ़ी अनक्लियर आहिनि कुझु जेके आहिनि पंहिंजा लीगल एक्सपर्ट्स उहे ॿुधाइनि पिया त जेकॾहिं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठहे थी त उहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूंदी ऐं जेका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पोइ कोन रहंदी माना सुप्रीम कोर्ट खाली रहंदी माना जेका सुप्रीम कोर्ट हूंदी उहा पोइ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जे अंडर में अची वेंदी छो त उहा उहे पैरेलल ॿ सिस्टम नथा थी सघनि उहा कोर्ट जेका आहे उहा जेका आहे उहा सुप्रीम कोर्ट उनजे अंडर में अची वेंदी हाणे इहो माना असां चई त सघूं था त पीपल्स पार्टी थी सघे थो कामयाबु वञे इहो एॾो सवलो कोन्हे छो त इन जे लाइ जेकॾहिं मां सम्झा थो जेकॾहिं थी वञे त उहे जेकॾहिं तव्हां पी टी आई खे रिज़र्व सीटूं ॾियो ऐं जेकॾहिं मामला स्मूथ सेलिंग में थियनि था पी टी आई एतवाद करे थी त पोइ शायदि इहो थी वञे पर हाणे जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी जेकॾहिं सूरत हाल अचे थी त इन में काफ़ी जेके लीगल एक्सपर्ट्स आहिनि मां उन्हनि खे पढ़ां पियो मां ॿुधां पियो उन्हनि खे उहे चवनि था असां जेके नंढनि सूबनि वारा आहियूं असां इन लाइ बि ख़ुशि आहियूं त उन लाइ चयो वियो आहे त उन में सूबनि जी जेका आहे सा उहा रिप्रेज़ेंटेशन बि हूंदी पर जेका वॾी ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त इन कोर्ट खे इस्टेब्लिश करण लाइ तमामु घणा पापड़ विढ़णा पवंदा एतिरो माना आराम सां जेका आहे सा इहा एतिरो इस्टेब्लिश जल्दी कोन थी सघंदी हिकिड़ी ॻाल्हि हिननि वटि जेका ॿ भाङे टे वारी जेका आहे सा अक्सरियत मौजूदु कोन्हे हिन वक़्त ताईं ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं उनखे अॻु में ई रिपेल करे कोन था सघनि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट खां सवाइ छो त हींअर जेको 63A मौजूदु आहे उन में तव्हां इहो मुमकिन कोन्हे जेकॾहिं ॿी पार्टी जो जेकॾहिं तव्हां सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो जेकॾहिं इम्प्लीमेंट कयो था त इन जो मतिलबु आहे त जेके हींअर ताईं आज़ादु हुआ उहे पीटीआई जा मेंबर कंसीडर इहो पाण पहिरीं बि ॻाल्हायोसीं त इहो सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो कोन्हे इहो वज़ाहती नोट में चयो वियो आहे जीअं पीटीआई जा मेंबर आहिनि अॼु जेको इलेक्शन कमीशन जो इजलास थियो आहे उहो बि इन ॻाल्हि खे साबित करे पियो त इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे कोन पई मञे त जन हलफ़नामा जमा न कराया हुआ भले उहे आज़ादी तस्वर कया वञनि था ऐं उहे जेकॾहिं कंहिंजी सपोर्ट कनि था त उहे नाहिल कोन थींदा अॼु जी मां सम्झा थो जेकॾहिं इहे थिए थो त पोइ माना इंस्टिट्यूशनल टकराउ आहे पोइ त मूंखे इहो कोन थो लॻे इहो थी सघंदो पोइ सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर आहे उहा पाण बि जेका आहे उन में हींअर बि तव्हां चयो त कल्ह अपील वई आहे इन जे ख़िलाफ़ु त पोइ मुंहिंजे ख़्याल आहे त पोइ कॉन्फ्लिक्ट वधंदो पर जेकॾहिं मां उहे अर्ज़ु पियो कयां जेकॾहिं हींअर उन्हनि वटि इहा अक्सरियत मौजूदु कान्हे ॿ भाङे थिए जेकॾहिं पी टी आई राज़ी थींदी सभई स्टेक होल्डर राज़ी थींदा पोइ शायदि इहो कमु थी सघे पर तव्हां जेकॾहिं हिकिड़ी अहिड़ी पार्टी उन तव्हां इख़्तिलाफ़ु करे सघनि था पर हींअर उहा जेका आहे लीडिंग ऐं मेजर पार्टी आहे आज़ाद मेंबर आहिनि माजे साहब उहे जेकॾहिं अञा ताईं कंहिं पार्टी जो हिसो तसवर कोन था थियनि आईनी हिसाब सां उहे जेकॾहिं सपोर्ट कनि था मौलाना साहब बि सपोर्ट कंदा उन खां पोइ त एतिरो तादादु खपे बि कोन थो आज़ाद बि छा आहिनि जेकॾहिं उन्हनि खे पीपल्स पार्टी राज़ी करे थी वञे ऐं 63A कोन थो लॻे ऐं उन्हनि जो वोट काउंट थो थिए पोइ थी सघे थो इहो शइ मुमकिन आहे पर सो फार उन्हनि वटि जेका आहे सा ॿ भाङे ते अक्सरियत मौजूदु कोन्हे हाणे इहे शयूं हिकु ॿिनि ॾींहंनि में त क्लियर थी वेंदियूं त छा थो थिए आज़ाद आहिनि त ज़रूरी आहे छा त शो ऑफ हैंड सां मंज़ूरी थिए तरमीम जी ज़रूरी न आहे ही जेका तरमीम सेनेट में तव्हां करे सघो था पर जेकॾहिं जेका तव्हांजी या क़ौमी असेंबली आहे उते तव्हांखे शो ऑफ हैंड्स करिणो पवंदो बल्कि क़ौमी असेंबली में जेकॾहिं मौलाना जी हिमायत थी वञे मेंगल साहब जी हिमायत थी वञे हिकु या ॿ मौलाना जी सेनेट में अची था जेके ॿिया मेंबर आहिनि उहे आज़ाद हैसियत में आहिनि उन्हनि जो जेकॾहिं हू बीह बि था रहनि
तब उन ते यो मुझे ख्याल में यो ट्रेटी आजाद है आजाद इलेक्शन कमीशन दिसन वजाहत घुरी हुई सुप्रीम कोर्ट खान बाबा ही जके आहन 38 जे लगभग या 31 32 जे लगभग मेंबर आहन उन ते जका वजाहती नोट सुप्रीम कोर्ट जो आयो है तमा नोटिफिकेशन कडी पीटीआई जन के शुमार के पर अजी जका ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले सा हेयरिंग थिया उन में इलेक्शन कमीशन चयो है टकराव में समझण की गाल तो मौकफ मजबूत कें टकराव तो है इख्तलाफ रखू था कें मामले से माना टकराव है पर ऐसो यो है तो मौकफ मजबूत कें मौकफ जो है सो वजन आए तो कें दुरुस्त कें जेके इलेक्शन कमीशन जा अख्तियार आन उवे के फैसले तहत ता उनका खसे कोन ता सको यो छाकण त इलेक्शन कमीशन पो पाण एक आयनी इदारो है मौजूदा चीफ जस्टिस जा रिमार्क्स आइन महीनो डेढ़ पेरे उनन चो न इलेक्शन कमीशन जको आहे उहो भी एकड़ो आयनी इदारो आहे कुछ अस जा जज आइन जेके उनन लाइ नाज़ेबा किस्म जा रिमार्क्स अंदा जको अफसोसनाक अमल आहे ये न करण खपे इदारन जी खुद मुख्तियारी आहे उनके तस्लीम करनो पंदो त इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट खुद जका इलेक्शन कमीशन जे खिलाफ जको आ सो नो कॉन्फिडेंस वो एक्सप्रेस करे चुकी है सुप्रीम कोर्ट छापे करे असन जा फैसला जके आन से उनन के गलत पार्टी समूरी तरमीम पीटीआई हिमायत नामुमकिन है जेके आजाद हिस्सेत में मेंबर आए उए जेके उन फ्लोर क्रॉसिंग कर अक्सरत काने ना के बा बांगे ट्रे अक्सरत ना है ना जेके उए पीटीआई जा ना है ना जेके मानू जेके सीटू जे जो सुप्रीम कोर्ट फैसलो ले छियो तो हन यो तय थियो उए पीटीआई के देणियो आइन आई जदे तो पीटीआई वाले उन जा हलफनामा जमा न थेला तो उन जो स्टेटस छ है स्टिल दुए आजादी आइन न सही अनक्लियर है ना जेके क्लियर आए क्लियर आए तो जेके असा या जेके यो समझो पतो वने प्रिजमली उए जे कैन से पीटीआई जा मेंबर ना है वो तो यकीनन थी सके थी पीटीआई आई नहीं कोन सही अन्या ताई तो नोटिफाई था ही नहीं तो पीटीआई आई नहीं कोन हिन वक्त ताई अन्या ताई ना है तो होना जो स्टेटस है गवर्नमेंट के मौकफ ही है गवर्नमेंट के मौकफ तो ही है इलेक्शन कमीशन भी हो इलेक्शन कमीशन वाले वो गवर्नमेंट सही इलेक्शन कमीशन वाली की रुआबत गवर्नमेंट जो इदारो है ना जेली इदारो है ये नके हो सही एत्रो एत्रो ता पीटीआई की हिमायत में सफाक ते के बे इदारे के लताड़े न वणो त को जो को सो हुकूमत जो जेली इदारो यो जुल्म ता के ता सफा जें जी ना यो ता ब्या काफी एनालिस्ट चोन ब्या त हे सफा ना हर के जो पंजो ओपिनियन है ता जो पंजो ओपिनियन है जरूरी है पर मा समझो ता त जेके बे आयनी इदारा है उन सबनी के पंजे आयनी हदन में वो जेके अख्तियार न लान उहे हुन जा बरकरार रहण खपन उन जी पंहिंजी जेका हिकिड़ी सॉवरेंटी आहे उन जी पंहिंजी जेका अथॉरिटी आहे उहा बरकरार रहण खपे ऐं ईअं कोन्हे त को कंहिंजे पसंदि ऐं नापसंद जी बुनियाद ते कंहिं इदारनि जे अख़्तियारनि खे न ईअं ओरांघियो पियो वञे न ईअं लताड़ियो वञे न ई उन्हनि खे रिड्यूस कयो वञे ऐं न ई वरी को इदारो पंहिंजा जेके अख़्तियार आहिनि कोई वधीक इनक्रीज करे इन करे आयन इदारत जो हुजणु ज़रूरी आहे न त 100% एग्री विथ यू सर जी एग्री विथ हाँ अचो जोब साहब ही जी कोशिशूँ थन पे नो डाउट पे पा गल चुका हाँ सजो कम है जन पीपल्स पार्टी के कुलन से जे यू आई जे अंदाज से आसिफ अली जरदारी साहब के रोल अदा कन पा बिलावल साहब तो उको पे तो जरदारी साहब बिलावल साहब के लिए तैयारी पे कन 2029 वाली इलेक्शन के लिए जैसे वक्त का पे थे या जैसे 2029 में भी थे हि जे समूरा कम हों केतरा जो लिखा वा जाहिर एक रिकॉर्ड में इंदा फ्यूचर में बिलावल साहब के वजीर आजम ठाण ला इस्टेब्लिशमेंट या मथिन हल्कन ताई उन्हें राबता बेहतर करण के लिए उनको किरदार मतलब बुधाने लाइ ही ही सब कुछ करे सकंदा केतरी इंपॉर्टेंस रखे तो दिसो ही जानी वाणी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ते जेका जिम्मेवारी दिनी वही है जरदारी साहब के तरफा वह टेस्ट केस तोरी है तो इन में कोई शक कोने जैसे सभी पार्टियों को ये जायजो वो जमहूरी जोहर गोल्ण की कोशिश कर सभी में बिल्कुल ही आज़ादाने नमूने से राय रखी करे मुनसिफानी राय रखी करे
तो वो जोहर बिन पार्टी की भेंट में तक पीपुल्स पार्टी में नजर इंदा पीपुल्स पार्टी जो जी सवेर भी तो इन मुल्क के आयन दियण वाली पार्टी आ उनखां पोइ अरिड़हीं तरमीम की सूरत में एक बेहतर जो जो को गंद विच में पैदा थो हो इनमें विधो वो हो आयन में वो साफ़ कर सूबन के खुद मुख्तियारी दिनी तो पीपुल्स पार्टी जो जो सदर हो उन अख्तियार पार्लियामेंट के लिए वजीर आजम के मजबूत किया पीपुल्स पार्टी से उन सागे नमूने की जिम्मेवारी है उनमें ऐसन तरीके से पीपुल्स पार्टी उनके अदा कर सके थी। बी शे तक बुधा जो पान वट जो फुकदान है न मामले जो वो तो अस लीडरशिप पॉलिटिकल विजडम ब अलग अलग शे असड़ी शिक्स कर वही रहा है तो भाई जरूरी कोने तो जो लीडर हुए वो पॉलिटिकली तौर पर एडो विजडम रखंद हो पॉपुलर लीडर होजन बी शे है पॉलिटिकल विजडम होजन बी शे है तेरे करे हाँ वन बाय वन को चवा पर तक पीपुल्स पार्टी के हवाले से एतरो दई छा तो जो लीडरशिप है वह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वट है पॉलिटिकल विजडम जो है वह आसिफ अली जरदारी साहब वट है तो बिलावल भुट्टो जरदारी की लीडरशिप आसिफ अली जरदारी जो जो पॉलिटिकल विजडम जैसे मिलों वो मिली कर जड़े नमूने पीपुल्स पार्टी गुजरियल कुछ अरसे का परफॉर्म कंदी पी अचे या जो उनको बिहेवियर है जैसे पीपुल्स पार्टी में यो जोहर न होजे हा तो शायद जैसे इमरान खान निकतो हो धरणो हणी किरण के लिए नवाज शरीफ के तो पीपुल्स पार्टी सपोर्ट न करे हा तो पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंट से गड बीठी है पीपुल्स पार्टी आयन से गड बीठी है तो इन जो जो कमाल है वो आसिफ अली जरदारी साहब जो पॉलिटिकल विजडम है अवामी तौर पर जो पजीर है या जो 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 करिश्मा है बिलावल भुट्टो जरदारी की शिकिल में तो यो मुझे ख्याल में बई जे इन लीडर हैं ये इन इम्तिहान में भी पार थी वा समूरन पार्टियों के गुड़ पीपुल्स पार्टी कें वट हली वन तैयार है पीपुल्स पार्टी के कोई इशू को पीपुल्स पार्टी पीटीआई वट हली वी पीपुल्स पार्टी मजहबी जमायतन वट हली वी पीपुल्स पार्टी सभी के एक हंध विहारण की सलाहियत रखे थी एकड़ी टेबल से विहारण की सलाहियत रखे थी तो मुझे ख्याल में घट में घट पूरी उम्मीद आया तो हाँ जो आयनी मसौदो तैयार थो वो बैलेंस जरूर हों सही माजे साहब अवज में राय जो पीपुल्स पार्टी जो रोल है फ्यूचर में अवे लगे तो उनका मुस्बत पहलू छाकाणि त हींअर ताईं सिंध जे माण्हुनि खे स्पेशली इहा शिकायत रही आहे त पीपुल्स पार्टी एॾियूं वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾियनि पर जंहिं हंध ते उन्हनि जी क़बूलियत हुजणु खपे या जेतिरो कुझु उन्हनि खे मान मर्तबो मिलणु खपे उहो न मिलंदो आहे जॾहिं बि का अहम फ़ैसिलो थींदो आहे पीपुल्स पार्टी खे हमेशह नुक़सान ई पहुतो आहे। साईं मां तव्हां सां बिल्कुलु इतफ़ाक़ थो कयां त पीपुल्स पार्टी खे जेको रोल जॾहिं बि मिलियो आहे त उनखे हमेशह अंडरमाइन करण जी कोशिशि कई वई आहे ऐं उनखे हमेशह उनजे ख़िलाफ़ु साज़िशूं थियूं आहिनि पर मां सम्झां थो त हीअ जेको बि जेको हींअर जेको पंहिंजो आयनी तरमीमनि जे हवाले सां ऐं मुल्क में जेके चैलेंजिस आहिनि उन में हीअ पीपुल्स पार्टी लाइ हिकिड़ो चैलेंज केस ज़रूरु हूंदो त जेके मुल्क में जेकॾहिं स्टेबिलिटी अचणी आहे त सभिनी स्टेकल होल्डर खे जेको आहे सो मिलाए ऐं उन सां गॾु वेही जेको आहे सो हालात खे बहितरी करे या एतिरी स्मूथ सेलिंग त मूंखे कोन थी लॻे त इहो को एतिरो थी वेंदो जल्दी मुल्क में क्राइसिस रहंदो पर इन में को शक कोन्हे पीपुल्स पार्टी में इहा जेका जेका ज़ोएब साहब बि ॻाल्हि कई त हिकिड़ी पॉलिटिकल मेच्योरिटी ज़रूरु मौजूदु आहे हू सभिनी सां ॻाल्हाए सघनि था सभिनी सां उन्हनि जूं कंहिं बि क़िस्म जी का इहा गर्ज न आहे जीअं मुस्लिम लीग नून वारा या जेका इमरान खान आहे जंहिंजी उन वटि बिल्कुलु कोई क़िस्मत ज़रूरु आहे पर उन में का पॉलिटिकल विज़डम को नज़र ई कोन थो अचे सो उन्हनि में त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जेका आहे सा उहा हेड आहे उन में को शक कोन्हे बाकी ज़ाहिर है जेके सिंध जे हवाले सां तव्हां ॻाल्हि था कयो त परफॉर्मेंस जा ऐं ॿिया इशू ज़रूरु मौजूदु आहिनि पंहिंजी जॻह ते पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे त आइनी हवाले सां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो हमेशह अहम रोल रहियो आहे ऐं हींअर बि हू पंहिंजी पूरी कोशिशि कंदी बिलावल भुट्टो जरदारी ऐं यकीन आसिफ अली जरदारी जेको हींअर सदर पाकिस्तान बि आहे उहो पंहिंजा रोल यकीन अदा कंदा ऐं उन में कामयाबी ठीकु आहे। वरी महिरबानी अव्हांजी माजिद मक़सूद साहिबु ऐं ज़ोएब जरदारी साहिबु अव्हांजी वरी महिरबानी ऐं जंहिं का ॻाल्हि मूं करणु पिए छा जॾहिं पीडीएम जी हुकूमत बि ठही पए ऐं उन में जेकॾहिं आसिफ अली जरदारी साहिबु जो किरदारु न हुजे हा ख़ालिद मंगसी कॾहिं बि भाउ पार्टी जा जेके बि अॻवान आहिनि उहे को नून लीग जे चवण ते कोन अचनि हा उन हुकूमत जो हिसो न थियनि हा ईअं ई चौधरी बिरादरान तारीख़ में कॾहिं ईअं कोन रहियो आहे जो उन्हनि में ईअं इख़्तिलाफ़ पैदा थिया हुजनि परवेज़ लाइ हिकिड़े पासे ऐं चौधरी शुजात ॿिए पासे जेको जरदारी साहिब जो उते वेहणु उन्हनि खां सपोर्ट हासिलु करणु इहो क्रेडिट बि जरदारी साहिब न वियो पए ऐं जॾहिं उहा पी डी एम जी हुकूमत ठही उनखां पोइ वरी जॾहिं इलेक्शन थी त इहा शिकायत ज़रूरु आहे त कराची में जंहिं अंदाज़ सां दांधली थी ऐं एम क्यू एम खे जंहिं अंदाज़ सां सीटियूं ॾियारियूं हुयूं उनखां केर बि इनकार कोन थो करे सघे इहो जेको पीपुल्स पार्टी जो हक़ हो मतिलबु उहो उन्हनि खे न मिली सघियो इवन ॿियनि सूबनि में स्पेशली पंजाब में जेको कुझु थियो पीपुल्स पार्टी सां सो इहा शिकायत बि रहे सो हींअर बि पीपुल्स पार्टी पंहिंजे तरफ़ां जेके कोशिशूं वठे पई उहे मुल्क जे लाइ क़ौम जे लाइ इंतिहाई अहमियत जोॻियूं आहिनि पर ॾिसणो इहो आहे त इन्हनि कोशिशुनि जो फ्यूचर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे जेको आहे सो छा कुझु मिले थो
ऐं उनखे कहिड़ी नज़र सां ॾिठो थो वञे, इहो इंतिहाई इंपॉर्टेंट हूंदो ऐं वक़्तु साबित कंदो ऐं पाण उन ते ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं बि सही। अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे, इते पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाए निगेबान।